हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट हिंदी के पेपर को, जो कि 22 तारीख को होने वाला है, उसके सैम्पल पेपर और उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आज हम समझेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी लिटरेचर की बुक में से आने वाले हैं। ये हम यहाँ पे हिंदी अ जो पार्ट वन है, कोड 002 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे इसका समय होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, इनका आंसर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने शामिल अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। देखिए, एक बार बचपन में शामिल अली एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना से शामिल अली के जीवन की दिशा बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए और उसी के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो एक बार क्या होता, शामिल अली जब खेल रहे थे तो एयर गन से खेल रहे थे और खेलते खेलते एक चिड़िया गोरैया उड़ रही थी और उस पर उनकी गन जाकर लग गई, जिससे कि वो जो चिड़िया थी वो घायल हो गई। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा दुखद उनको लगा कि उनकी वजह से एक चिड़िया जो है, गोरैया जो है, वो घायल हो गई। तो उन्होंने उसकी देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुड़ गए, मतलब उसकी बहुत उन्होंने देखभाल करी और इसी से उनका जीवन का जो नजरिया था वो बदल गया और वो पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर सेकंड में देखो, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने कितने घटनाओं का चित्रण खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई। आंख नम होने से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तान हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। तो जो चित्र खींचे उन्होंने, फोटो खींचे, उसमें किसमें थे, रेगिस्तान की जो गर्म हवा चलती है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है, उससे रिलेटेड उन्होंने फोटो खींची। यदि इस हवा से केरल के साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उससे उनके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और अगर जो ये गर्म हवा चल रही है और ये गर्म हवा केरल की तरफ जाती है तो वहाँ पे जो साइलेंट वैली है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे गर्म हवा के कारण जो वहाँ पे पशु पक्षी या जो भी रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा और उनके नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर कि जो सालिम अली है उनकी इस तरह की प्रेम और चिंता देखकर जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटना या संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया होगा। अपनी समझ में टीले शब्द का क्या अर्थ होगा। प्रेमचंद ने टीला शब्द का अर्थ होता है बधाई, रुकावट या बधाई का प्रतीक। किसका टीला शब्द का मतलब होता है रुकावटें या बधाई का प्रतीक। वह सामाजिक कुरूति, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है। तो टीला शब्द किसके लिए दर्शाता है कि जहाँ पे सामाजिक कुरूतियाँ होती हैं, जो अन्याय होता है, जो लोगों के बीच में भेदभाव होता है उसको दर्शाता है। ये मानव में सामाजिक विकास के लिए बाधाएं उत्पन्न करती है और ये क्या करता है, देखो अगर भेदभाव किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय किया जाएगा तो उसके विकास में, जो सामाजिक विकास हो रहा है उसमें क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, उसके लिए दिक्कतें पैदा होगी। हमारे समझ में टीला मिट्टी का छोटा सा पहाड़ होता है। एक्चुअल में अगर आपसे टीला पूछा जाए तो रेगिस्तान के अंदर जब वो मिट्टी का ढेर बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो इस आकृति का हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ का व्यंग लेख है। ये एक ऐसा व्यंग लेख क्या होता है जिसमें हर बात पर कुछ ना कुछ व्यंग कसा जाए, है ना। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया, इस पाठ को पढ़कर आपने लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। देखिए इसमें क्या आंसर होगा, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली से में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं को चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये कैसा है, व्यंग्यात्मक, मतलब हर बात पे व्यंग किया गया है। और किस बात पे व्यंग किया गया, इसके साथ साथ लेखक ने स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति। तो आजकल क्या है, सिर्फ दिखावा ही है ना, हम दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं कि हाँ हमारे पास में बहुत पैसा है या हम बहुत अच्छे हैं या ये सब क्या है, दिखावा ही है। तो दूसरे को दिखाने की प्रकृति पर व्यंग करते हुए सामाजिक कुरूतियों पर प्रहार किया, मतलब जो सामाजिक, समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको हटाने के लिए, मतलब उस पर प्रहार किया गया कि किस तरह लोग अपना दिखावे के लिए कुरूतियां, मतलब समाज का विकास तो कर नहीं रहे लेकिन समाज की जो पुरानी कुरूतियां हैं उस पर प्रहार करते हुए ये व्यंग ये जो चैप्टर है बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कैदी और कोकिला नामक कविता ने कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं। कैदी और कोकिला कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है।
इसमें देखो क्या कहा गया, कवि ने जो लोहे की हथकड़ियां है उनको गहने के समान समझा है, क्योंकि देखो वो क्या है, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि उन्हें अगर कैदी बनाया गया है और ये हथकड़ियां जो पहनाई गई है ये किसी गलत काम के लिए नहीं पहनाई गई, उन्होंने अपने देश की प्रेम के लिए ये हथकड़ियां पहनी है। और ये हथकड़ियां उन्हें कैसे लगती हैं, जैसे कि एक नारी के हाथ में कंगन होता है वैसे ही गहनों के समान उन्हें ये अपनी जो हथकड़ियां हैं वो लगती है। तो देखो किस तरह लिखेंगे, कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है क्योंकि उन्होंने किसी गलत काम के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी है, उनके लिए गौरव की बात है, देश के लिए कुछ करना या कुछ करने का जज्बा रखना ये क्या है, गौरव की बात है, इसीलिए कवि ने कड़ी हथकड़ियों को गहना कहा है। अब इसमें आगे पूछा गया है कि आप गहनों के बारे में और क्या जानते हैं, अन्य गहने कौन कौन से होते हैं, देखो हथकड़ियाँ हो गई, पायल हो गई, इसके अलावा अंगूठियाँ हो गई है ना, और नथ हो गई है ना, टीका हो गया, तो काफ़ी सारे गहने होते हैं, झुमके हो गए, तो वो भी आप कुछ यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया है, कोयल बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है, कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है, इसी तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है। देखिए इसका आंसर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई है या उसकी कोई विविशता हो जिसीलिए कोयल ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। तो देखो जब कोयल कूक करती है अपनी आवाज़ निकालती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक संदेशा लेके आई, एक मैसेज लेके आई है, या हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ऐसी कुछ विवशता हो, कुछ मजबूरी हो जिसकी वजह से वो सुबह का इंतजार ही नहीं कर पा रही है, अन्यथा वह ऐसमय इस प्रकार क्यों कूकती, वरना बिना मतलब के बिना वजह से वो इस समय क्यों बोलती, हो सकता है ना कुछ इमरजेंसी हो या वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेशा लेके आई हो। देखो इसके बाद क्या कहा गया, जिस तरह कोयल के बोलने को हम कोयल की कूक कहते हैं वैसे कौवे को बोलने को क्या कहा जाता है, याद करो क्या कहा जाता है, काऊ काऊ बोलते हैं, क्योंकि काऊ काऊ करता है ना कौवे कौवा, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि के बच्चों पर काम जा कविता में कवि के काम पर जान कवि बच्चों के काम पर जाने पर धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया है, अपने अनुसार बच्चों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं, यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया गया तो समाज प्रगति कैसे करेगा, सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें बचपन से वंचित नहीं रखना चाहिए, आप में घोर अपराध उनसे अगर काम करवाया जाए तो वो घोर अपराध के बराबर होता है और अमानवीय है, इसीलिए बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चों को काम पर जाना, सोचो कि बच्चा पढ़ाई ना करे, खेले कूदे ना और उसे काम पर लगा दे, तो एक हम एक छोटे से बच्चे को जो एक छोटा सा पौधा है जिससे भी पेड़ बनना है उसको क्या कर रहे हैं, उसको पानी देने के बजाय उसे क्या लगा रहे हैं, उसके पत्ते तोड़ रहे हैं, अगर हम काम करा रहे हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम पत्ते तोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। तो ऐसे ही अगर एक बच्चे को काम पढ़ाई या उसको उसका बचपन जीने के बजाय हम उसे काम पर लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, क्योंकि बच्चे बड़े होकर देश की प्रगति करेंगे ना, बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन अगर हम उनको जड़ से ही जब वो छोटे हैं तभी हमने उनका विकास नहीं होने दिया तो एक देश किस तरह से विकासशील बन जाएगा, एक देश किस तरह से विकास कर पाएगा। देखो आगे क्या कहा कि आपके अनुसार बच्चों का क्या काम होना चाहिए, खेलना कूदना होना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को घूमना फिरना चाहिए, जैसे कि उनका व्यायाम करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, जिससे अच्छा खाना पीना होना चाहिए जिससे बच्चे का विकास हो सके। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है, आपके विचार मन में क्या विचार आता है। तो देखो क्या होगा कि मैंने अपने शहरों में बच्चों की चाय की दुकान, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते में लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू नौकरों के रूप में, निजी छोटे जो कार्यालय होते हैं उन्हें अनेक स्थानों पर, हर मौसम, रातों में देर रात तक काम करते हुए देखा है। मेरी समझ में बच्चों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पर देश और समाज तथा उनके खुद के परिवार की उन्नति होगी। तो अगर बच्चों से ही काम करवा रहे हैं, देखो ये जो आंसर है इतने जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, देख कर दुख आता है, लेकिन क्या करें, ये एक सच्चाई है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि अगर यही बच्चे इन छोटे छोटे कामों को करेंगे तो देश के बड़े कामों को कौन करेगा, है ना, तो इसीलिए ये जो बाल मजदूरी जिसे हम कहते हैं ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो मतलब इसमें आ सकते हैं, जो टर्म सेकंड का एग्जाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इनको समझ लीजिए आपकी किस तरह से आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे भी आप आंसर कर सके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, मेरे संघ की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही थी, अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपनी नानी तथा दादी से मिली किसी एक सीख के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
देखो क्या कहा गया है, लेखिका की नानी तो वैसे प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर स्वतंत्रता की भावना मन ही मन पनपने दिया। देखो हालांकि नानी का मतलब सीधे तौर से जो आंदोलन आज़ादी का आंदोलन था उसमें कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन स्वतंत्रता की भावना रखती थी और मन ही मन उनकी स्वतंत्रता की आज़ादी की भावना पनपने लगी। उन्होंने कभी अपने पति को अंग्रेज शोक को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने पति के अंग्रेजी शोक जो उनके पति के अंग्रेजी शोक थे उनको स्वीकार नहीं किया, उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। उनके जो हस्बैंड थे मतलब जो नाना जी थे वो क्या थे, अंग्रेजों के भक्त थे, वो अंग्रेजों के साथ रहते थे, उनको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन नानी ने कभी भी अंग्रेजी जो जीवन शैली थी उसको नहीं अपनाया। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की जिससे कि उनका देश प्रेम की भावना का पता चलता है। और नानी ने क्या कहा, जो उनकी बेटी थी उन्होंने कहा कि मैं इसकी शादी किसी क्रांतिकारी से करूँगी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना पैदा करता है। ये क्या करता है कि हाँ देखो अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो तभी तो एक क्रांतिकारी के साथ अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे ना। तो नानी के मन में क्या था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करेगी और ये क्या है, एक देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है इससे। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। अब देखो क्रांतिकारी को जो पता चले, एक तो क्या होता है लोग पीछे हट जाते हैं, दूसरे उनको सहयोग कर रहे हैं, तो इससे क्रांतिकारियों का भी तो उत्साह बढ़ रहा है ना, उनको मनोबल बढ़ रहा है कि हाँ हमारे साथ दुनिया है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से जो लेखक की नानी थी उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी ली। नेक्स्ट देखो क्या है, रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने में आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, आप पाठ के इस विषय में क्या प्रयास किया होगा, आपने क्या है पाठ के इस विषय में क्या प्रयास किया होगा। देखो यहाँ पे था दादी नानी से मिली किसी एक सिख के बारे में भी आपको बताना है कि आपकी दादी नानी क्या कहा करते थे उसके बारे में, हमेशा कहा करते थे सुबह उठकर क्या करो थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ये दादी नानी कहते थे, या हमको क्या कहते थे रात को भाई घर से बाहर मत निकलो ऐसे कहते थे ना भूत पीछे पड़ जाएंगे। तो एक ये सेफ है कि भाई रात को घर से बाहर नहीं निकलो, ज़रूरी नहीं है तुम नहीं निकलना चाहिए, रात को बैठ के पढ़ाई करो दिन में पढ़ाई करो ये भी दादी नानी कहते थे, रात को नहीं पढ़ाई करते दिन में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीख है यहाँ पे, एक आप उसमें भी छोटा सा आंसर लिख सकते हैं। तो देखो रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज की महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, इस पाठ के इस विषय में आप क्या प्रयास किया गया है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, महिलाओं का गरिमा किस तरह से बढ़ा सकते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, हमें जो बच्चों को लड़कियों को पढ़ाई है उसके लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा उसको बढ़ावा देना चाहिए, अपने समय की महान विदुषी स्त्रियों का उदाहरण लेकर समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि लोग प्रेरणा ले सके, जो भी जैसे कि हम कल्पना चावला हैं बहुत सारे जैसे लोग हैं उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनको अगर हम बच्चों छोटे छोटे गर्ल्स को उनके वीडियोज़ दिखाएं तो हो सकता है वो मोटिवेट हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी गरिमा जो है उनको उचित स्थान दिला सकते हैं, हम उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, मीडिया द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, अश्लील चित्र गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लड़के और लड़कियों का समान अधिकार मिलने चाहिए, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब देखो बराबरी वाला हिस्सा होना पर बराबरी होनी चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट ज़रूरी है, नज़रों में रिस्पेक्ट ज़रूरी है और हर जगह जहाँ पर भी मौके मिल रहे हैं कहीं इस तरह के हमें वाक्य नहीं सुनने को मिलने चाहिए कि ये काम लड़का कर सकता है ये काम लड़की नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह बराबर और हर जगह समानता का अगर हमें एहसास होता रहेगा तो धीरे धीरे जो लेडीज़ के लिए जो भावना है वो क्या होती जाएगी, उनकी गरिमा उच्च होती जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, माटी वाली पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी की भोजन मीठा से आप क्या समझते हैं कि भूख मीठी या भोजन मीठा। देखो भूख और भोजन में आपस में गहरा संबंध है, स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है, भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वाद लगता है, भूख नहीं होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। तो देखो भूख और भोजन दोनों ही क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, अगर आपको भूख लगी है तो कैसा भी भोजन आपके सामने हो जैसा भी खाना आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ है आपने अच्छे से खाना खाया और उसके बाद में आपके पास में 36 पकवान आपके सामने रख दे लेकिन वो भी आपको टेस्ट नहीं लगेगा, लगेगा तो बेकार सा खाना है। तो भूख और जो भोजन है गहरा संबंध है, लेकिन भूख जो है वो मीठी नहीं होती है, भूख मीठी होती है भोजन नहीं, भोजन तो स्वाद, अगर आपको भूख लगी है तो कैसा भी भोजन है आपको टेस्टी ही लगेगा। तो ये थे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आपके जो चैप्टर हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी, वो भी आप देखिएगा, और इसी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।